एक बड़ी खबर है भोपाल से, ये बड़ी खबर है। मुकुल वासनिक को एमपी कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है, पद से हटाया गया है जेपी अग्रवाल को, नए प्रभारी एमपी के बना दिए गए हैं, एमपी कांग्रेस प्रभारी बदले गए हैं। मुकुल वासनिक बहुत ही एक्सपीरियंस कांग्रेस के नेता रहे, कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं, कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी ये निभा चुके हैं, और सबसे बड़ी बात है कि गांधी परिवार के बहुत ही खास माने जाते हैं मुकुल वासनिक, जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। कम से कम इन्होंने जब कांग्रेस का शासन था तो 5 मंत्रालयों की जिम्मेदारी निभाई थी, और अब इनको कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। ओवरऑल जेपी अग्रवाल को हटाया गया है। नवीन कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नवीन, ये बड़ी खबर है, एमपी कांग्रेस के प्रभारी को बदला गया है, मुकुल वासनिक को लाया गया है, क्या वजह रही जेपी अग्रवाल को हटाने की? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। मुकुल वासनिक को रिलीव किया है, मुकुल वासनिक को मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभार से एआईसीसी ने मुक्त कर दिया है, और अब जेपी अग्रवाल को मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। जेपी अग्रवाल दिल्ली से 4 बार के सांसद हैं, लोकसभा 4 बार वो जीत चुके हैं, मनोज तिवारी से पिछले चुनाव हारे हुए हैं, राज्यसभा के 1 बार मेंबर भी रह चुके हैं। तो ऐसे में जेपी अग्रवाल को, जिनकी उम्र लगभग 77 साल की हो रही है इस वक्त, वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी बने हैं। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है, पार्टी में फिलहाल संगठन चुनाव चल रहा है, ऐसे में जेपी अग्रवाल की नियुक्ति करना मध्य प्रदेश कांग्रेस, अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और जेपी अग्रवाल मिलकर 2023 की तैयारियां करेंगे, नई टीम खड़ी करेंगे, मध्य प्रदेश कांग्रेस को मजबूत करना है, और सत्ता में वापसी का जो उनकी कोशिश है मध्य प्रदेश कांग्रेस की, उसको भी जमीन पर उतारना है। तो एक बड़ा फेरबदल है, चूंकि मुकुल वासनिक के पास एआईसीसी बतौर जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज के नाते उनके पास कई सारे संगठन की जिम्मेदारियां थी, कई सारे कामों में व्यस्त थे, तो मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और बीच में ये खबर भी मिली थी कि मध्य प्रदेश में दिलचस्पी नहीं लेने की वजह से वो ये प्रभार छोड़ना चाहते हैं, तो एआईसीसी ने शायद उनकी इस बात को मान लिया है और उनकी जगह अब जेपी अग्रवाल को बनाया गया है। या कुछ लोगों की कांग्रेस में ये भी शिकायत थी मध्य प्रदेश में कि मुकुल वासनिक प्रॉपर वक्त नहीं दे रहे हैं मध्य प्रदेश में, एज ए प्रभारी होने के नाते उनको तमाम कामों में यहाँ पे दिलचस्पी लेनी थी, लेकिन वो दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, तो शायद ये भी वजह हो सकती है उनको रिलीव करने की। लेकिन फिलहाल जेपी अग्रवाल अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी हैं, अगले साल चुनाव है, 1.5 साल का वक्त बचा है, जेपी अग्रवाल के सामने बड़ी चुनौती है, हालांकि अनुभवी नेता है, 77 साल की उनकी उम्र है, और कमलनाथ के साथ लंबे समय तक वो काम कर चुके हैं, 4 बार के लोकसभा सांसद हैं और दिल्ली से सांसद हैं, लिहाजा लगभग मध्य प्रदेश के हर बड़े नेता से उनका अच्छा बेहतर कोऑर्डिनेशन है, और लगभग सभी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज हैं उनके साथ बेहतर समन्वय स्थापित वो कर सकते हैं। तो पार्टी की एआईसीसी की कोशिश है कि जेपी अग्रवाल और मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की जो जोड़ी है मिलकर काम करेगी, और 2023 में सत्ता में वापसी करना कांग्रेस पार्टी के लिए आसान होगा। लेकिन बहुत मुश्किलें अभी जेपी अग्रवाल के सामने हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के सामने हैं, क्योंकि 1.25 साल का वक्त बचा है, बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत है मध्य प्रदेश में, और बीजेपी की लगभग 29 में से 28 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं, और मौजूदा सरकार अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भले इस वक्त मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हो गई है, लेकिन 2018 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी, और हालांकि सरकार उनकी गई, उसके बाद बीजेपी ने उपचुनाव जीत के अपनी ताकत दिखाई। तो अभी 1.25 साल बीजेपी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती। थैंक यू सो मच नवीन, मुझे भी आपने करेक्ट किया, जेपी अग्रवाल नए एमपी कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए। नवीन कुमार सिंह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझसे गलती हुई, थैंक यू नवीन, आपको आपने करेक्ट किया मुझे। मुकुल वासनिक को एमपी कांग्रेस प्रभारी के पद से हटा दिया गया है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, जेपी अग्रवाल ये नए मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी बनाए गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस ने बड़ा बदलाव किया है।